इंकलाब जिंदाबाद के मालिक ले जाने की। सो गुड मॉर्निंग गाइस, अस्सलाम वालेकुम। सो निकल रही हूँ आज मैं गोल्डन टेम्पल के लिए, सो आज आके मिलते हैं। सो मैं आ गई हूँ गोल्डन टेम्पल और अभी मेरा लगेज मुझे ड्रॉप करना है। सो लगेज और शूज़ दोनों रखते हैं और फिर मिलते हैं। सो यहाँ मैं आई हूँ अपना लगेज रखने। मैंने अपने शूज़ तो रख ही दिए, अभी लगेज रखना है, तो चलो लगेज रखते हैं और लगेज रख के बाहर निकलते हैं। सो मैंने लगेज रख दिया है और अभी मैं जा रही हूँ टेंपल के लिए, तो चलो वहाँ जाके मिलते हैं। ये है फ्रंट साइड और अंदर जाते हैं हम। वैसे अंदर ना वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो मतलब इतने ज़्यादा शॉट्स कैप्चर नहीं हो पाए हैं और करना भी नहीं चाहिए मुझे, उन लोगों का परमिशन नहीं है तो। लेकिन बस मैंने अपने लिए, हम फोटो ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं, शॉर्ट शॉर्ट, तो मैंने वो लिए क्लिप्स। तो चलो अंदर जाते हैं और अंदर जाके बात करते हैं। बाहर का वेदर बहुत प्यारा है, आज थोड़ा सा सन भी निकला है, लेकिन ठंड तो है ही है, तो अभी चलो अंदर जाते हैं। ये देखो इतना प्यारा है। सो हम अंदर आ गए हैं और अब हमें ठंडे ठंडे पानी में पैर। अच्छा, मुझे लगा ये पानी ना ठंडा होगा, लेकिन वो पानी ठंडा नहीं था, वो लुकवॉर्म था। और ये देखो पीछे का नज़ारा। गोल्डन टेम्पल और ये देखो मैं आ गई हूँ यहाँ गोल्डन टेम्पल के सामने। ये लाइन टेंपल ले जाने की। सो मैं निकल गई हूँ बाहर की ओर और टेंपल में ना चार दरवाजे हैं, ठीक है। वो इसलिए चार दरवाजे हैं क्योंकि वो बता रहे हैं कि आपको ना चारों ओर से वेलकम करते हैं वो, चाहे आप किसी भी जगह से हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आपको चारों जगह से वो वेलकम करते हैं। तो अभी मैं निकल गई हूँ और अभी हेरिटेज स्ट्रीट की ओर जा रही हूँ, तो चलो वहाँ का नज़ारा बता रही हूँ। सो अभी मैं यहाँ नियर बाई पार्क आई हूँ और वो था एंट्रेंस और अभी हम पार्क में हैं। चलो अंदर चलते हैं। ये देखो अंदर आ रहे हैं हम। अमृतसर में ना बहुत सारी जगह घूमने की, बहुत ज्यादा। सो हम अभी एक पार्क में आए हैं और यहाँ पे ना सिर्फ ग्रीनरी है, बहुत पीसफुल मोमेंट लग रहा है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पीस है यहाँ पे। लग रहा है कि मैं ना जाऊँ ही नहीं यहाँ से। आज टू डेज़ मैंने स्टे कर लिए अमृतसर में, आज सेकेंड डे हो गया है और लग रहा है बस यहीं पे रुक जाऊँ। आप यहाँ आओगे ना तो आपको यहाँ काफ़ी ओल्ड ओल्ड चीज़ें नोट करनी मिलेगी। ये नहीं पता क्या है,
लेकिन अगर आप आते हो ना यहाँ पे बहुत सारी ओल्ड चीज़ है जो आप देखोगे। लाहौर जेल भूल चुकी है, पूरा देश खास तौर पे नौजवान। तो फर्स्ट टाइम मैं रिक्शा में बैठी हूँ, ये देखो। और ये देखो रात का यहाँ पे नजारा कितना प्यारा लग रहा है। ये है रात का सीन यहाँ का। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आज मैं यहीं स्टे करने वाली हूँ। ये लेडीज़ के लिए रूम बनाया गया है, रेस्ट रूम, तो मैं आज यहीं स्टे करने वाली हूँ। मिलती हूँ कल वापस नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, और जितना बन सके उतना शेयर करो। अल्लाह हाफ़िज़।